प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना लागू होने के साथ में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके चलते अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला का नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक पाराशर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला के लिए उन्होंने पहला नामांकन पत्र लेकर के ये बता दिया है कि कांग्रेस चुनाव में भी पहले स्थान पर रहेगी। आपको बता दें कि अजमेर से सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में रहेगा, जहां पर भाजपा ने किशनगढ़ से पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने उद्योगपति रिजु झुनझुनवाला को चुनावी मैदान में उतारा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।